गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विमेन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में प्रीवियस क्लास में पढ़ा गॉस लॉ। अब इसके बाद में अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, एक तो होता है नॉन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अपने सिलेबस में है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिर्फ अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान रूप से फैल जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली ये तीन तरह का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले पढ़ते हैं बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी वायर को या एक मेटल की रिंग को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मैंने किसी वायर को, मेटल के वायर को चार्ज दिया तो बेटा चार्ज के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या मेटल की रिंग को मैंने वायर चार्ज दिया तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं लैम्डा, जिसका नाम है बेटा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होती है बेटा? पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज देते हैं अपन, पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज देते हैं उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ को क्या बोला जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसकी एस यूनिट अपन निकाल सकते हैं, चार्ज की एस यूनिट क्या होती है? कूलम। और लेंथ की क्या होती है? मीटर, कूलम पर मीटर। उसके बाद में सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी सरफेस को चार्ज देते हैं, जैसे ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है या एक सीट है, इसको मैंने चार्ज दिया तो बेटा इसके सरफेस पर, इसके एरिया पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको डिफाइन करने के लिए जो टर्म ले रहे हैं अपन, वो ले रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ले रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से लिखा जाता है। वो क्या होता है? पर यूनिट एरिया पे चार्ज, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया को ही क्या बोला जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके एस यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में जो लास्ट है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब अपन किसी वॉल्यूम में चार्ज दें, जैसे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक प्लास्टिक का स्फीयर है, है ना, उसको अपन चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे टर्म को अपन बोलते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं रो, जिसका नाम क्या बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए, जितने भी क्वेश्चन किए, वो सारे पॉइंट चार्ज के लिए किए थे, पॉइंट चार्ज के लिए सारे अपने फॉर्मूले थे। लेकिन जब अपने को ऐसा कोई चार्ज मिले, किसी वायर पे अपन चार्ज दें तो वायर पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो पॉइंट नहीं रहेगा। फिर अपन इस टर्म का यूज करेंगे चार्ज के लिए, किसी मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो अपने को तो इस टर्म का यूज करेंगे। वहां पे अपन पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले नहीं लगा सकते, जैसे कूलम लो पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इन टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। आगे जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ की, वहां पे भी इन्हीं टर्म का यूज करेंगे कि एक लॉन्ग वायर का, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो इसी टर्म का यूज किया जाएगा। एक प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, प्लेन सीट, चार्ज प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो इस टर्म का यूज करेंगे।
तो अब अपन पढ़ते हैं बेटा गाउस की एप्लीकेशन। हाँ, अब अपन करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। एक चार्ज स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपने को। तो बेटा एक चार्ज स्ट्रेट वायर है, इसके ऊपर अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज वायर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब वायर पे जब अपन चार्ज देते हैं तो वहां पे चार्ज क्यू नहीं लेके लैम्डा देते हैं। लैम्डा क्या है बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अपन गाउस लॉ का यूज करेंगे। तो गाउस ने क्या कहा था कि जितना भी चार्ज है उसको अपन एक क्लोज सरफेस में बंद कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे एल लेंथ का इस पी पॉइंट को लेते हुए एल लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर किया है जिसको गाउसियन सरफेस कहते हैं। ये गाउसियन सरफेस जिसकी लेंथ, इस सिलेंडर की लेंथ क्या है? एल। तो इसके अंदर जो वायर के चार्ज है, इसमें जो वायर होगा वो भी एल लेंथ का होगा और उसमें जो चार्ज आएगा गाउसियन सरफेस में जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? देखो बेटा इस फॉर्मूले से लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एल। तो एल लेंथ के वायर पे जो चार्ज होगा क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू एल, कितना आएगा? क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। तो पहले अपन इस गाउसियन सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। तो फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउस लॉ से, क्या आता है? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? लैम्डा एल। टोटल चार्ज फॉर्मूला क्या था? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना है गाउसियन सरफेस में? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया अपन। अब इसका फ्लक्स अपन डेफिनेशन से कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेशन क्या थी? क्लोज इंटीग्रल e वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो बेटा ये जो क्लोज सरफेस है इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बेटा बेटा ऊपर वाला सरफेस हुआ, एक नीचे वाला सरफेस हुआ और एक ये कर्व सरफेस हुआ। तो पहले ऊपर वाले फ्लक्स से कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और कर्व सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तीनों का सम करेंगे तो अपने को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं तो इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ऊपर वाला सरफेस जिसको मैंने S1 नाम दिया है, एक नीचे वाला सरफेस जिसको मैंने S2 नाम दिया है और एक कर्व सरफेस जिसको S3 नाम दिया है। तो S1 से फ्लक्स E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस S2 से फ्लक्स E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस S3 से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो S1 जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ, A वेक्टर। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वायर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90। तो E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना? 90।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एस वन ई डी ए कॉस 90। एस टू के लिए देखिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर है इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना बना 90। ई और डी ए के बीच में एस टू सरफेस के लिए एंगल कितना बना 90, तो क्या आएगा ई डी ए कॉस 90 एस टू सरफेस के लिए। एस थ्री के लिए देखिए एस थ्री सरफेस कैसी है कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस है तो मैंने एक यहां पे एरिया एलिमेंट ले लिया, इस पूरी कर्व सरफेस को एरिया एलिमेंट में ब्रेक कर लिया। तो एक एरिया एलिमेंट से देखिए इसका जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा डी ए वेक्टर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना 0। तो कर्व सरफेस कहीं भी आप एरिया वेक्टर लो जैसे इस तरफ ले लो, इस तरफ भी एरिया वेक्टर किधर आएगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इधर भी एंगल 0 ही बन रहे। कहीं भी आप कर्व सरफेस पे कोई भी एरिया एलिमेंट पे देखिए डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा। तो एस थ्री के लिए देखिए जो कर्व सरफेस है ई डी ए कॉस 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, जिससे ये फ्लक्स हो जाएगा 0, कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पे जो फ्लक्स मिलेगा ई डी ए, तो टोटल फ्लक्स डेफिनेशन से वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से मिलेगा अपने को, तो एस थ्री सरफेस है वो क्या मिलेगा ई डी ए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। बेटा E इस कर्व सरफेस पे हर एक एलिमेंट पे E की वैल्यू क्या है सेम है, क्योंकि जो कर्व सरफेस है वो वायर से R डिस्टेंस पर है, तो R डिस्टेंस पे बेटा कहीं भी आप पॉइंट ले लो वहां पे E की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो E क्या हो गया S3 सरफेस के लिए क्या हो गया कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा E, अंदर क्या आया dA, तो डी ए का इंटीग्रल करेंगे तो अपने को पूरे कर्व सरफेस का एरिया मिलेगा, तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर सिलेंडर की रेडियस आर, और एच क्या है यहां पे सिलेंडर की लेंथ कितनी है एल, तो ये अपने को फ्लक्स मिल गया किससे डेफिनेशन से, इसको इक्वेशन 2 दिया। अब दोनों को अपन इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये भी फ्लक्स था, ये अपन ने गॉस लॉ से कैलकुलेट किया, ये अपन ने डेफिनेशन से कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल रखें तो अपने को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। देखो इसमें ई टर्म आ रहा है इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, दोनों को इक्वल रखें e 2 पाई r l इक्वल्स टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो l से l कैंसिल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई p पॉइंट पे e इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपने को मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेक्टर में लिखें लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पे मैं डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं एन केप, एन केप का मतलब क्या है बेटा एन केप एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को बताते हैं जो कि वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट,
इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल किया तो ये ऊपर आ गया 2 लैम्डा, नीचे आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है r 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट k, तो अपने को मिलेगा 2k लैम्डा, नीचे आएगा r। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट किया एक इनफिनिटी लॉन्ग वायर का, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, आर पर। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, वायर से डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और लैम्डा, लैम्डा क्या है बेटा, यहां पे सरफेस, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी।